अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम दूसरा न्यूमेरिकल अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसका 12.6 यानी प्रॉब्लम नंबर 12.6। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। उन्होंने कहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड। सस्पेंड करने के लिए पार्टिकल ऑफ मास, पार्टिकल हमें दिया गया मास 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 केजी का, और चार्ज दिया गया 1.0 माइक्रो कूलम बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स दी गई हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डेटा में पहले दिया है मास, मास की वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 केजी, और हमें एक दूसरा दिया गया चार्ज। चार्ज की वैल्यू है 1.0 माइक्रो कूलम 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 कूलम, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है प्लेट्स के दरमियान 10 सेंटीमीटर। आर कितना, आर हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू मीटर में हमारे पास होगी 0.1 मीटर। क्या उन्होंने कहा हमें मेडिकल में, वो कह रहे हैं हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरी नेगेटिव प्लेट है। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। हमने एक पार्टिकल मास एम है, उसको इन दोनों के दरमियान सस्पेंड करना है। लेट हमारे पास एक पार्टिकल मास एम, इसको हम दोनों के दरमियान सस्पेंड करना है। ये हमारे पास एफ ई है और ये हमारे पास एफ जी है। कोई भी पार्टिकल जिसका मास एम हो, वो दो फोर्सेस के दरमियान तब सस्पेंड होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे के इक्वल होगी। इस वजह से हम एफ ई और एफ जी को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे एफ ई। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें एफ ई और इक्वल टू एफ जी को करना होगा। सोल्यूशन एफ ई इक्वल टू एफ जी। एफ ई की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है क्यू ई के, और एफ जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है एम जी के। ठीक हो गया। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, ई की वैल्यू लेनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल टू एम जी ओवर क्यू। एम की हमारे पास वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, जी की वैल्यू हम जानते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इज इक्वल टू एम हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 केजी। एम की वैल्यू पुट करेंगे 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और जी की वैल्यू हमें पता होती है वो हमारे पास होती है 9.8 ओवर। क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, वो हमारे पास है 1.0 माइक्रो कूलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 कूलम। ये हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 कूलम। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी, कट होगी तो E की वैल्यू हमारे पास आ रही 9.8 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास E की वैल्यू आ गई। व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 12.7। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, और इट फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है 100 वाट्स। तो हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड, और एनर्जी को कैलकुलेट किस में करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। हमें गिवन डाटा में क्या क्या दिया गया, गिवन डाटा में हम सबसे पहले देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है 20। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 20, चार्ज होंगे ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको फाइंड करते हैं। पहले हमें पता है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास जोल में वैल्यू होती है इसकी। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन 20 इलेक्ट्रॉन, ये हमने फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन 20 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 जूल।
ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब इसको स्टार्ट करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 कॉलम आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसमें उन्होंने रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, उन्होंने रिक्वायर्ड हमसे किया है काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के डो ई, ये हमने फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है डेल क्यू डो ई इक्वल टू क्यू डेल वी, सॉरी हम डेल वी की वैल्यू लिखना भूल गए, डेल वी की हमारे पास वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की 100 वोल्ट, उन्होंने हमें वैल्यू भी क्या दी हुई है डेल टेंशन डिफरेंस की 100 वोल्ट, ठीक है। क्यू की वैल्यू हम पहले ही जानते हैं जो 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, क्यू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, तो हम इसको क्यू की वैल्यू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये वाली 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 कॉलम। तो हम इसको वैल्यू को फार्मूला में पुट करते हैं, डेल काइनेटिक एनर्जी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 100 वोल्ट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल की के डो टी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16, ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक हो गया, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 ईवी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19 जूल, ठीक हो गया। अब इसको हमने जूल में कन्वर्ट करने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आए 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका भी 10 बड़ा 10 ये दोनों कट गए 16 ये हमारे पास 2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने हासिल कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट।